नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो इधर मैंने सब्जी बना ली आलू की, तो टमाटर डाल के आलू सब्जी बना ली। तो इसी में थोड़े थोड़े धनिया मिर्ची हल्दी नमक और ले लिए, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। बहुत बढ़िया से मिक्स करना है बिल्कुल। तो इधर आलू मैं सो गए सबरे अच्छे से, ये देखिए बहुत अच्छे से हो गए। तो इसको हटाते हैं, एक साइड में रखेंगे। तो इधर मैंने बेसन ले लिया, धनिया हल्दी और नमक ये डाल लिया। अब इसको अच्छे से घोल तैयार करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखिए बढ़िया सा, तो इस तरीके से इसका घोल तैयार कर लेंगे। ये मैंने बेसन घोल लिया, अच्छे बेसन का पेस्ट बना लिया। ये देखिए पतली बनाया है, ये देखिए इस तरीके से। तो इधर मैंने ले, तो इधर इतनी सारी ब्रेड ली मैंने, एक पैकेट छोटा ही पैकेट है था। तो अब जो मसाले लूँगी, तो इस पे ऐसे ब्रेड में इस तरीके से लगाना है। ये देखिए तो बहुत अच्छे से ऐसे पूरी ब्रेड में लगा के रखना है। ऊपर से एक फिर डबल कर देंगे ये, तो इसको ऐसे दबा देंगे और एक साइड में इधर रख देंगे। फिर इसी तरीके से दूसरी ले लेंगे। ये देखिए ऐसे सारे इसी में ऐसे कर लेंगे ब्रेड में, तो ऐसे सब में लगा के और रख लेंगे। तो दोस्तों मैंने सारी ब्रेड भर के ऐसे रख ली पूरी, ये देखिए। तो इस तरीके से सब भरा गए ब्रेड। तो यह था, इसमें तेल ले लिया, तो गैस को चालू कर दूँगी। ये कर दिया, ये रख देती हूँ। तेल मैंने कम ही डाला है, उसमें ज़्यादा नहीं डाला। एक बार ऐसे कम फ्राई करूँगी कम तेल में, फिर उसके बाद जा। दोस्तों अब डालेंगे ये ब्रेड इसी में ऐसे, और इन निकालेंगे इस तरीके से। तो इसको इधर लेके पास में, और ये तेल गर्म होगा तो इसी में डाल देते हैं। ये डाल देंगे, और दूसरा भी डाल देंगे ऐसे। तो जितना आएगा उस हिसाब से उतना डालेंगे। अब इसको पलट देते हैं। तो ये पलटा गए, बहुत अच्छे से सिक रहे हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया से। सिक गया तो इसको निकाल लेते हैं दूसरा भी। इसी तरीके से इसी तरीके से और बना के रख लेते हैं। तो इसी तरीके से सारे हमने ब्रेड पकोड़े बना लिए, ये देखिए। तो मैंने बना लिए ब्रेड पकोड़े और मिर्ची तल्ली, ब्रेड पकोड़े के साथ में मिर्ची का मसाला भर के अंदर। तो बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत बढ़िया बने हैं। ये कैसे बने हैं, तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।